गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से है, एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच आल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें बीई एक आल्टीट्यूड है एसी पर और सीएफ जो है आल्टीट्यूड है एबी पर, और ये भी दिया है कि बीई आल्टीट्यूड जो है वो सीएफ के बराबर है। बीई और सीएफ आल्टीट्यूड्स आपस में बराबर है। आपको प्रूव करना है दो पार्ट्स, ट्रायंगल एबीई और ट्रायंगल एसीएफ इक्वल कॉन्गेंट प्रूव करने हैं, और साथ में ये भी बताना है कि एबी इक्वल टू एसी। जब आप एबी इक्वल टू एसी प्रूव करेंगे तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए, गिवन आपको बच्चों यही लिखना है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल से लेकर पूरा यहाँ इक्वल तक। उसके बाद शो दैट, प्रूव क्या करना है, आपने दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। पहला पार्ट ट्रायंगल ए बी सी ई कॉन्गेंट ट्रायंगल ए सी एफ, और दूसरा पार्ट आपने प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी, सो दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें, डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप देखो यहाँ पर आप के पास क्या क्या गिवन है। आपके पास गिवन है कि बी ई आल्टीट्यूड और सी एफ आल्टीट्यूड इक्वल है, या आल्टीट्यूड अगर इस साइड 90 है तो यहाँ भी ये 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री है तो यहाँ से भी ये ऐसे होगा। सो देयरफॉर आप दो ट्राइंगल ले लो जिनको आपने कॉन्गेंट प्रूव करने हैं। पहला पार्ट, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ये दो ट्राइंगल लिए आपने। आपको पहले ही एंगल ए, देखो ए बी ई अगर मैं अलग से बनाऊं, दिस इज ए बी ई, ए बी ई, और अगर ए सी एफ बनाऊं तो ये ए सी एफ, ए ये एफ और ये सी यहां पर। अब इसका इसमें भी एंगल ए है और इसमें भी एंगल ए है, तो एंगल ए दोनों में कॉमन आया, एंगल ए दोनों में कॉमन। इसका ए ई बी, ए ई बी जो आपका एंगल है 90 डिग्री, सो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ईच 90 डिग्री। 90 इसलिए है क्योंकि आल्टीट्यूड्स है। और तीसरा चीज, इसका बी ई इसके सी एफ के इक्वल दिया हुआ है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये गिवन है आपको। सो तीन चीज़ें आ गई, एंगल ए, एंगल ए कॉमन, एंगल ए ई बी इक्वल टू ए एफ सी ईच 90, और बी इक्वल टू सी एफ गिवन। ये आपके एंगल आ गया, फिर से एंगल आ गया, और एक साइड आ गया। देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंस, ठीक है, रूल से, या आप लिखेंगे एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से भी ट्राइंगल कौन कौन सा, ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी एफ, तो देयरफॉर बाय सी पी सी टी आपका सेकेंड पार्ट आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब दो साइड इक्वल हो गए तो ट्राइंगल क्या बन गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी जो होगा इज एन आइसोसेलेस, जिसकी दो साइड्स इक्वल वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। सो ये आप कॉन्ग्रेंस भी है रूल से भी लिख सकते हैं, ये एक आपकी इसकी पार्ट से क्राइटेरिया है।